नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme 7 Pro versus Vivo V23 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Realme 7 Pro में 6.33 इंच जबकि V23 5G में 6.19 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Realme 7 Pro से कम है। विड्थ की बात करें तो Realme 7 Pro में 2.93 इंच जबकि V23 5G में 2.85 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Realme 7 Pro से कम है। बात करें थिकनेस की तो Realme 7 Pro में 0.34 इंच जबकि V23 5G में 0.29 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Realme 7 Pro में 182 ग्राम्स जबकि V23 5G में 179 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। Any ideas? तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Realme 7 Pro में Super AMOLED जबकि V23 5G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Realme 7 Pro में 6.4 इंचेस जबकि V23 5G में 6.44 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Realme 7 Pro में 82.72% जबकि V23 5G में 87.98% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Realme 7 Pro में 411 पिक्सल प्रति इंच जबकि V23 5G में 409 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Realme 7 Pro में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और V23 5G की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Realme 7 Pro में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और V23 5G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Realme 7 Pro में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 8 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और V23 5G में ड्यूल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Realme 7 Pro में Adreno 618 जबकि V23 5G में Mali G68MC4 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Realme 7 Pro में Qualcomm Snapdragon 720G और V23 5G में MediaTek Dimensity 920MT6877T मिलता है। बात करें RAM की तो Realme 7 Pro में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB की RAM मिलती है जबकि V23 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Realme 7 Pro में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि V23 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Realme 7 Pro में अप टू 256GB जबकि V23 5G में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Realme 7 Pro में Android V10 जबकि V23 5G में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी Realme 7 Pro में 4500 mAh जबकि V23 5G में 4200 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो Realme 7 Pro में 3 कलर्स जबकि V23 5G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Realme 7 Pro में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 17,599 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 21,199 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें V23 5G की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 29,990 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 34,990 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Realme 7 Pro में 4 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Vivo V23 5G की तो उसमें 6 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy M31 Prime है, दूसरा Vivo V21e 5G है, तीसरा Xiaomi Redmi Note 10T है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें OnePlus Z5 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।